वीडियो पुरानी होने के साथ साथ वीडियो पर इम्प्रेशन भी कम हो जाती है। पर डे इम्प्रेशन अगर आपकी वीडियो के 100-200 भी जा रही हैं, जबकि वो वीडियो 2 महीने पुरानी हो चुकी है, तब भी वो वीडियो आपकी आगे तक पहुंच जाएगी। मैं आज आपको पहले लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने पहले एक वीडियो पर ये ट्रिक यूज करी, फिर मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी अपने पूरे चैनल पर ये ट्रिक धीरे धीरे मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरी पुरानी वीडियो भी लोगों तक पहुंचे, उस पर इम्प्रेशन आए और उस पर व्यूज बढ़े। तो इस वीडियो में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पुरानी वीडियो पर भी व्यूज लेकर आ सकते हो, और कांस्टेंट स्पीड के साथ वो स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। अगर वो स्पीड रुक जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी आपको अपने चैनल के ऊपर। तो सारी चीजें वीडियो पुरानी वीडियो के व्यूज के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना हमारी वीडियो को, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे मेरी पुरानी वीडियो भी आज तक, जबकि उस वीडियो को ऑलमोस्ट 100 दिन होने जा रहे हैं, 100 दिन अराउंड 80-90 दिन तो हो गए हैं, वो वीडियो भी आज कैसे मेरी और वीडियोस के मुकाबले बराबर लेवल पर ही चल रही है। रोज के 200-250 इंप्रेशन रोज के आ रहे हैं, जबकि उस वीडियो को 80-90 दिन हो चुके हैं। बहुत पुरानी वीडियो है, नीच अच्छी है वीडियो की, पर फिर भी वो वीडियो अपने दम पर आज भी खड़ी है और आज भी मुझे व्यूज सब्सक्राइबर लाकर दे रही है। कैसे दे रही है आपको वो ट्रिक पहले मैं प्रूफ दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं उस बारे में। तो भाई एक तो मेरी वीडियो है प्रेजेंटली, जो मैंने अभी 8-9 दिन पहले ही अपलोड करी है, उसका नाम है हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल। आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी, जैसे थंबनेल मैं बनाता हूँ वैसे आप भी बना सकते हो। उस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, उसकी ओवरव्यू की बात करूँ, तो सिंस अपलोडेड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, 155 व्यूज आए हैं इस पर। ठीक है, व्यूज की मैं बात नहीं करना चाहता, पहले मैं आपको इंप्रेशन की बात करूंगा, ताकि इंप्रेशन से ही आपको अंदाजा लग जाए, क्योंकि इंप्रेशन आसानी से बता देता हूँ। देखो रीच पर अगर हम जाते हैं, इसके इंप्रेशन पहले आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सिंस अपलोडेड से दिखा रहा हूँ लाइफ टाइम की, अगर मैं 10 जनवरी की बात करूं, आज है 11 जनवरी, 10 जनवरी की बात करूं, तो इस पर 166 इंप्रेशन गए। इस वीडियो पर इंप्रेशन गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, यहां से तो गिर गए, क्योंकि ये 2 जनवरी को तो अपलोड ही करी थी मैंने, तो उस टाइम तो ज्यादा इंप्रेशन गए थे, उसकी बात नहीं करूंगा मैं, प्रेजेंट की बात करूंगा, जबकि ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ता हुआ। अब जिस वीडियो की मैं बात करूंगा वो है कैसे मुझे 10 रुपए में 1000 व्यू मिले, 0.01 CPV भी मिला था, वो भी आई बटन पे। आप अगर उस वो सारी चीजें आप अगर यूज करते तो वो भी आपको 10 रुपए में 1000 व्यू नहीं मिले, तब भी आपको 10 रुपए में एटलीस्ट 800-700 व्यू तो मिल जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा कम CPV है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इस पर 1300 व्यूज आए, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, सिंस अपलोड सिंस पब्लिश से 1300 व्यूज आए, अप गए हैं व्यूज भी, और वॉच टाइम भी अच्छा, मतलब 173 आवर्स का वॉच टाइम ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है। अगर इसकी रीच में बात करूँ तो इसके 7500 इंप्रेशन गए हैं, और इसकी अगर मैं सिंस अपलोडेड लाइफ टाइम की बात करूँ तो कल की 10 जैन की इस पर 103 इंप्रेशन गए हैं। तो मतलब ये वीडियो भी 103 इंप्रेशन लेकर आ रही है, जबकि इस वीडियो को कितना टाइम हो गया, ये मैंने 7th of November, नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने, 90 दिन, और 7th है, 94 डेज हो गए इस वीडियो को अपलोडेड, मतलब ऑलमोस्ट 100 दिन हो गए हैं, पर फिर भी आज भी ये वीडियो मुझे जितनी मेरी और वीडियोस इंप्रेशन लेकर आ रही हैं उतना इंप्रेशन ये भी लाकर दे रही है। कैसे लाकर दे रही है, ये बात नहीं कहूंगा कि मैं सारी वीडियोस मेरी 100-100 इंप्रेशन ला रही हैं, ऐसा हो जाए तो मेरे तो भाई मेरी कितनी वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 40 वीडियो 4000-5000 इंप्रेशन रोज के, पर मेरे 4000-5000 रोज के नहीं आते, मेरे रोज के इंप्रेशन जाते 3000-2000-2500 रोज के इंप्रेशन जाते हैं, पर फिर भी इसका इतना ज्यादा योगदान कैसे आ रहा है, जबकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 100 दिन पुरानी हो चुकी है। मैं न्यू वीडियोस मानता हूँ, न्यू वीडियोस ज्यादा इंप्रेशन लाकर देंगी, पर पुरानी वीडियो कैसे लाकर देगी है। और इसका बीच में इंप्रेशन आपको दिखाऊं, एक एक दिन में 700 इंप्रेशन भी गया है 27 नवंबर, 20 दिन बाद। देखो आप यहाँ पर इसका ग्राफ नीचे भी गया है, ऊपर भी गया है, पर एवरेज ये मुझे लाकर दे रही है। देखो यहाँ 82 लाया, पर 103 मुझे कल लाकर दिया, कल की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर मुझे 166 मिले, 166 इंप्रेशन मिले, और इस पर मुझे मिले 103,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ये वीडियो पुरानी है। कैसे मुझे ये सारी चीज़ें मिली आपको आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना। अब बढ़ते हैं अपनी टिप की तरफ। तो पहली चीज़ जो मैंने ट्राई करी इस वीडियो पर भी और जो नई वीडियो है उस पर भी वो मैंने ट्राई करी, दोनों वीडियोस पर ट्राई करी, इसलिए दोनों का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, इन दोनों पर ही ट्राई करा। गैप चाहिए था, 2-3 महीने का गैप चाहिए था, मैं बीच में भूल भी गया था, इसलिए मैंने 2-3 महीने बाद की वीडियो उठाई। अब आप देखो, अगर मैं इस वीडियो की डिटेल पर जाता हूँ, हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियो विद गूगल एड्स कैंपेन, फिर मैंने लिखा ₹10 में 1000 व्यूज कैसे मिले, मैंने प्रूफ दिखाया है इसमें भी, जैसे अभी आपको मैंने प्रूफ दिखाया है लाइव, वैसे उसमें भी मैंने लाइव प्रूफ दिखाया था। अब अगर इसकी एनालिटिक्स में हम जाते हैं, इसकी एनालिटिक्स के अंदर पहले तो आप ऑडियंस रिटेंशन देख लो, पर 60 का रहा है। ये ना हो बाद में कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई कुछ और ट्रिक इस्तेमाल कर दिया, मैं बता ही नहीं, तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ बता रहा हूँ। अब देखो भाई, व्यू बेल आइकन से भी ज़्यादा व्यू नहीं आया कि इंप्रेशन गए हों। अब देखो, अगर मैं इसका पार्ट करता हूँ, यूट्यूब सर्च की बात करता हूँ, तो 7.5% यूट्यूब सर्च से मुझे ट्रैफिक मिला, ज़्यादा नहीं था। सी मोर पर मैं जब मैं जाता हूँ ना भाई, आप यहाँ पर देखो ट्रैफिक सोर्स ऊपर नीचे होता रहता है मेरा। यहाँ पर मैं व्यूज की देखो, ज़्यादा व्यूज मुझे मिले नहीं है यूट्यूब सर्च से, मेरी वीडियो ब्राउज फीचर में गई थी, पहली चीज़ मैं आपको यहीं क्लियर कर दूँ। पर ज़्यादा ब्राउज फीचर में कैसे गई वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जितने भी मेरे यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहे हैं ना भाई, ये जितने ये कीवर्ड्स होते हैं, असली कीवर्ड्स ये होते हैं, क्या बोलूं मैं, असली जिस वजह से आपकी वीडियो रैंक हो सकती है, आपकी वीडियो ब्राउज फीचर सजेस्टेड वीडियो कहीं पर भी अगर आपकी वीडियो जा रही है, इन चीजों की वजह से आपकी वीडियो जाती है। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया भाई, सारे एक एक करके मैंने कॉपी कर लिया, A to Z, एक भी नहीं छोड़ा। मैं वापस जाता हूं अपनी वीडियो की डिटेल्स पर, आपको अगर मैं एक चीज दिखाऊं, इस वीडियो की नीचे यहां देखो क्वेरी सॉल्व करके मैंने लिखा है, यहां पर मैंने सारी चीजें जो वहां पर मुझे शो हो रही है वो यहां पर मैंने पेस्ट करी, इस वजह से ये आज भी वीडियो मेरी चल रही है और आज भी अपने दम पर खड़ी है और आज भी मुझे व्यूज ला कर दे रही है ये वीडियो। और इसका ग्राफ ऑलवेज हमेशा, जब से ये मैंने वीडियो पब्लिश करी, जब से ही इस वीडियो का ग्राफ ऊपर रहा है। ये ट्रिक थी इस वीडियो की। अगर मैं आपको दूसरी वीडियो की दिखाऊं, थंबनेल वाली वीडियो की बात करूं, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, तो थंबनेल वाली वीडियो की भी बात कर लेता हूं मैं। इस वीडियो पर मैंने आपको दिखा दिया कि भाई 166 इंप्रेशन रोज, मतलब अभी एवरेज 166 चल रहा है, कभी ऊपर 1, 2, 4, 10 ऊपर नीचे हो जाता है, उससे मतलब नहीं। अब देखो सिंपल बात समझना, अगर इसके भी मैं नीचे जाता हूँ, इस पर भी 2 ही व्यू आए हैं बेल नोटिफिकेशन से, मुझे उससे मतलब नहीं है। सीमोर पर जब मैं जाता हूँ, सीमोर पर जाने के बाद मुझे इस पर 70 व्यूज मिले हैं यूट्यूब सर्च से, मतलब मेरी ज्यादा देर नहीं, मतलब इस पे 155 व्यूज आए, उस पर 70 व्यूज यूट्यूब सर्च से आ रहे, तो 50% व्यूज यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो यूट्यूब सर्च में चलने लायक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को यूट्यूब सर्च पे दौड़ाया, उसको ब्राउज फीचर पे दौड़ाया, इसको यूट्यूब सर्च पे दौड़ाया। जितने भी मुझे यहाँ तक मिल रहे हैं, चाहे इस पर 0 व्यूज आए हो, 1 व्यू आए हैं इस सर्च से, इनको सबको कॉपी कर लिया मैंने, आपको दिखा देता हूँ भाई। ये तो मेरा हाउ टू मेक थंबनेल, इस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए, इससे मैंने इसका टाइटल ही ये रख दिया। पहले इसका टाइटल था हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, अब इसका टाइटल है हाउ टू मेक थंबनेल। आप समझो एक एक चीज को, इसको वापस से मैं क्रॉस करता हूँ, अपनी वीडियो की मैं डिटेल में अगर चले जाता हूँ, तो भाई आपको मैं दिखाऊं एक चीज, हाउ टू मेक थंबनेल तो यही लग दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, हाउ टू मेक थंबनेल, और आप देखोगे ना भाई, एक एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। ये कीवर्ड स्टफिंग भी होती है, पर अगर मुझे यूट्यूब ये ही चीजें सजेस्ट कर रहा है कि आप ये चीजें डालो, आपकी वीडियो कहां से यूट्यूब सर्च के अंदर आ रही है, तो भाई मैं वो चीज क्यों नहीं डालूंगा, मैं अपनी वीडियो को क्यों रैंक या फिर ब्राउज फीचर में नहीं भेजूंगा। ये चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी अगर आपको अपनी पुरानी वीडियोस पर भी व्यूज लाने हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया है नई वीडियो पर भी ऐसे ही व्यूज लेकर आ रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस को ऐसे ही कस्टमाइज करूंगा, मैंने पहले 2 वीडियो पर ट्राई करा,
अब धीरे धीरे एक दो करके रोज एक दो करके सारी वीडियो ए टू जेड, ज्यादा वीडियो है नहीं चैनल पर, सारी वीडियो ऐसे ही मैं कस्टमाइज करूंगा और ऐसे ही अपलोड करूंगा। तो आपको मैंने दिखा दिया है भाई लाइव प्रूफ के साथ, कोई चीटिंग नहीं करनी। आपको अगर मैं रिफ्रेश करके भी दिखा दूं सारी चीज, भाई मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो कि भाई आपका ये पार्ट हमें फेक लगा, मैं उस पार्ट के लिए अलग एक वीडियो फिर से बना दूंगा और रिफ्रेश करके 10 बार भी दिखा दूंगा। देखो भाई फिर से आपको दिखा देता हूँ, भाई ये देख लो। तो भाई मैंने कोई भी बात मैंने हवा में नहीं करी, आपके सामने बात करी, सारी बात आपके सामने करी और बिल्कुल प्रूफ के साथ मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही था, सेम ट्रिक्स आप भी यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना हमारे इस वीडियो को, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।